जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जॉब नोटिफिकेशन में। जैसे कि मैं आपके लिए डेली वैकेंसीज लेके आते रहता हूँ, मैं आज भी आपके सामने वैकेंसी लेके आया हूँ दोस्तों। यहाँ पर आपको अप्लाई कर कैसे करना है, मतलब कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, सब बताया दोस्तों वीडियो में। सो ध्यान से देखिए, यहाँ पर टाटा स्टील प्रोजेक्ट में वैकेंसी निकली है दोस्तों। इसमें फ्रेशर्स एलिजिबल है दोस्तों 100%, और आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो भी आप इसमें कर सकते हैं। इसमें आपकी जो पोस्ट रहेगी वो इंजीनियर वालों के लिए है। अगर मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दूँ, ये वैकेंसी बीई बीटेक वालों के लिए है दोस्तों। सो अगर आप बाकी किसी भी फील्ड से होंगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर वीडियो स्किप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू, पर उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू बिना किसी देरी के साथ। जैसे कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, टाटा स्टील में जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, मैंने बताया था, जैसे कि आप थंबनेल में देखा होगा, जो जॉब पोस्टेड है वो naukri.com पर एयर, और वहाँ से आपको पता चलेगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन इसमें आप एलिजिबल है, मैं सब बताऊँगा। सो ध्यान से देखिए, अप्लाई करने की प्रोसेस भी बताऊँगा, सो जिससे कि आपके मतलब माइंड में कोई डाउट ना रहे, अप्लाई करते हुए मैं बताऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूँ, ये naukri.com पर अप्लाई नहीं करना है, इनके ऑफिशियल साइट पर अप्लाई करना है। कैसे करना है मैं बता देता हूँ, और उससे पहले आप हमारे चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। मैं अपडेट्स देते रहता हूँ और टेलीग्राम चैनल पर भी देते रहता हूँ। सो देखिए दोस्तों, इसमें जो टाटा स्टील की इन्होंने ऑफिशियल साइट है, वहाँ पर आपको अप्लाई करना है। सो आपको इसके जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सो यहाँ पर उन्होंने क्या मांगा गया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने क्लियरली लिखा है 0 ईयर एक्सपीरियंस टोटल फ्रेशर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास भी एक्सपीरियंस नहीं है वो इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने अपनी सैलरी और अपने कितने रिक्रूट कर रहे हैं वो नहीं डिस्क्लोज किया है, पर मैं चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पर आपको अप्लाई करते रहना होगा। और दोस्तों, वेस्ट बकोराव में आपकी ये रहेगी पोस्टिंग, सो वहाँ पर आप मतलब झारखंड में है ये दोस्तों, ये जगह झारखंड में है, सो वहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। सो आपकी इसके बारे में बता देता हूँ कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ, इन्होंने आपका रोल क्या रहेगा वो नहीं बताया, सैलरी भी नहीं बताई है। इंडस्ट्री आपकी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में है, सो इसमें बीई बीटेक वाले इसमें एलिजिबल है दोस्तों। और इसमें फंक्शनल एरिया भी नहीं बताया, आपका एम्प्लॉयमेंट टाइम फुल टाइम रहेगा और परमानेंट रहेगा। इन्होंने क्या मांगा गया है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन में क्या मांगा गया है, बीई बीटेक इन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मैकेनिकल्स, केमिकल एंड सिविल वाले इसमें एलिजिबल है दोस्तों। पीजी वाले एमएससी साइंस इन एनवायरमेंटल एंड एमटेक इन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मैकेनिकल एंड केमिकल में इसमें, और सिविल वाले इसमें एलिजिबल है। उसको कैसे अप्लाई करना है मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। सो यहाँ पर आपको मतलब आपका क्लाइमेट से रिलेटेड क्लाइमेट के डिपार्टमेंट में रहेगा, इन्होंने बता दिया है, मतलब इनडायरेक्टली आपको क्लाइमेट के R&D में भी काम कर सकते हैं दोस्तों। सो बेसिकली आपको कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है दोस्तों, क्लिक ऑन कंपनी वेबसाइट। यहाँ पर जैसे अपन क्लिक करेंगे ना, हम कंपनी के वेबसाइट पर चले जाएंगे। सो यहाँ पर आपको अपना, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला गया है, सो यहाँ पर आप क्लियरली लिखा है देख सकते हैं, प्लीज़ इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन शेयर्ड आर ऑथेंटिक एंड ट्रू टू बी बेस्ड ऑन योर नॉलेज। यहाँ पर आपको जो करना है वो डाल दीजिए। सो यहाँ पर आपको पहले इसमें क्या डालना होगा, अपना नाम डालना होगा, ईमेल आईडी डाल देने की, जेंडर, मोबाइल नंबर, कम्युनिटी डाल दीजिए दोस्तों यहाँ पर, और करंट लोकेशन आपकी क्या है, जैसे कि मेरी पुणे है, मैं पुणे। एजुकेशन का आपका क्या है, एक्सपीरियंस क्या है 00। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अगर आपके पास मतलब एक्सपीरियंस नहीं होगा, एजुकेशन में क्या देना है दोस्तों, यहाँ पर आपको सिक्वेंस वाइज डालना है, मतलब जैसे कि आपका पहले PG आएगा, फिर UG आएगा, फिर डिप्लोमा आएगा, उसके बाद 12th आएगा, उसके बाद 10th आएगा। सो इस हिसाब से आपको डाल देना है। सो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस में क्या डालना है, 00 डाल दीजिए दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में आपका अगर कुछ नहीं होगा तो आप किसको छोड़ सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों यहाँ पर, और अपलोड अपना रिज्यूम कर देना है। सो मैं बेसिकली आपको एक बात क्लियरली बता दूँ, आपका सिलेक्शन जो होता है ना वो रिज्यूम पर होता है। सो उनको कौन सी स्किल्स चाहिए वो आपके रिज्यूम में होंगे, तभी वो हाईलाइट वर्ड, मतलब ये ह्यूमन नहीं करता, ये AI करता है, वो बोल देते कि ये वर्ड्स होंगे इसके रिज्यूम में, तो सिलेक्ट कर लिया जाए। सो मतलब शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए, और कुछ जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं उनको फिर वो सिलेक्शन होने के, मतलब देखो दोस्तों, 1000 रिज्यूम होंगे, 1000 में से 750 रिजेक्ट हो जाते हैं कन्फर्म, बचे 250,
250, मैंने ऐसे कोई आंकड़ा लिया, 250 बचे, इनमें से भी शायद 150 लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं ये, उसमें से भी 100 लोगों को मैसेज जाते हैं। सो ये मत बोले मैंने अप्लाई किया और हुआ नहीं, मतलब आपके रिज्यूम और आपके वजह से ही नहीं हो रहा। और एक बात बता दूँ, आपका कहीं पर नहीं हो रहा ना, मतलब आपके रिज्यूम में फॉल्ट है। और मैं सिंपल बात बता दूँ, एक रिज्यूम सभी तरह के जॉब के लिए आपको अप्लाई नहीं करना है, मतलब बैड है वो, एकदम बैड एटीट्यूड है कि एक ही रिज्यूम आपको सभी जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे। सो आपको जॉब के अकॉर्डिंग अपना रिज्यूम अपडेट करना होता है, स्किल अपडेट करनी होती है। अगर आपको स्किल्स मतलब वहाँ पर डाले तो थोड़े बहुत, मतलब मैंने डाल दी यहाँ पे दोस्तों, मेरे को एक्सेल नहीं आता समझो, मैंने एमएस एक्सेल डाल दिया दोस्तों यहाँ पे। सो मुझे बताइए एमएस एक्सेल सीखने में मेरे को कितना टाइम लगेगा, बेसिक तो भी सीखने में 2 दिन 3 दिन हो गया ना, आपको आ गए ना स्किल, थोड़ी बहुत बेसिक भी आ गई ना, वो भी इनफ है दोस्तों। कुछ भी मतलब अच्छा सॉफ्टवेयर समझिए, ऑटो कैड समझिए, ऑटो कैड है दोस्तों, सिविल वालों के लिए होता है, केमिकल वालों के लिए होता है। सो ये सीखने के लिए कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, बेसिक। सो 10 दिन तक आपको तो वैसे भी रिप्लाई नहीं आता है कंपनी का, 10 से 12 दिन लगते हैं उनको प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि ह्यूज डाटा होता है। सो दोस्तों आप अप्लाई कर दीजिए रिज्यूम यहाँ पर अपलोड करके। आपको रिज्यूम के कुछ फॉर्मेट्स चाहिए होंगे तो वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो वहाँ से देख सकते हैं आप दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अप्लाई करते रहिए, जिससे कि मतलब आपको ये ना फील हो कि मतलब मेरे को जॉब नहीं मिली। सो नेगेटिव माइंड मत रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, जिससे कि आपका हो जाएगा। और अप्लाई करते रहिए, ये मत सोचिए कि मेरा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब आप खुद पर डाउट कर रहे हो। और एक बात बता दो, किसी और को ब्लेम मत करिए अपने फेलियर के लिए, 100% आप फेल हो रहे ड्यू टू योर नॉनसेंस और ड्यू टू योर मिस्टेक्स। सो डोंट ब्लेम एनी अदर पर्सन, सो आप खुद को ब्लेम कर दीजिए, क्योंकि ओवरऑल अपने मिस्टेक से ही अपनी लाइफ चल रही है। सो ध्यान दीजिए रिज्यूम पर और यहाँ पर सबमिट क्लिक कर दीजिए दोस्तों। माफ करना, ये किसी को बातें कड़वी लगी होंगी तो, पर ये ट्रूथ है दोस्तों। सो यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है, ये हो जाएगा आपका अप्लाई। और यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने, इनकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर देख सकते हैं टाटा स्टील्स द क्या है टैलेंट पुल को डॉट इन, मतलब इनकी ये वेबसाइट है। सो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।